आज कोई भी टिक नहीं सकेगा मेरे समाज। भ्राता, इस प्रकार तो ये अकेले ही हमारी समस्त सेना को नष्ट कर देगा। अब हमारा हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। जी भ्राता श्री, इसके अनुज को भ्रमित करने के बाद अब इसका भी साहस मिटाने का समय आ गया है। जाओ दुष्ट असुर, अपने ही सैनिकों को नष्ट करो तुम। भ्राता श्री संभल के। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कैसा वार हुआ मुझ पर? मायावी विषप्रिय है। लो शिव पुत्र कार्तिकेय, अब इसका सामना करो। मेरी ऊर्जा तुम्हें नष्ट करेगी विष्प्रिय। अरे अचानक कहां अदृश्य हो गया ये दुष्ट? ये उचित अवसर है, अब मैं अपना प्रहार करूंगा। प्रकार पीछे आते जाओ और भेंट करो अपने अंत से। ध्वनि की वास्तविक शक्ति अब मैं आपको दिखाता हूँ। Oh!
दोनों बालक कहाँ लुप्त हो गए गणेश? इनके लुप्त होने से कहीं इनके पिताश्री चिंतित ना हो उठें। हमें इनके पिताश्री को चिंतित नहीं करना चाहिए गणेश। उचित है भैया, मैं अभी उन्हें वापस ले आता हूँ। किंतु कहीं फिर ये हमारे लिए संकट बन गए तो? गणेश, अब तो जाने ही दीजिए भैया। भैया आप कुशल तो है ना? हाँ गणेश, किंतु मैं इन असुरों से लड़ रहा था ना, फिर तुम्हें मध्य में आने की क्या आवश्यकता थी? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो माँ कितनी दुखी होती। हाँ हाँ भैया, मैं तो ये देख ही रहा था कि आप कैसे सामना कर रहे थे उन असुरों का। भैया आपको तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैं आपकी सहायता करने चला आया। अग्रज हूँ मैं तुम्हारा, देव सेनापति हूँ, मुझे ज्ञात है गणेश मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो बस उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ भैया, उचित ही है कि मैं आपका अनुज ही हूँ, किंतु स्मरण है ना कि माँ और पिताश्री ने अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान कर मुझे भी शक्तिशाली बनाया है। किंतु अब मैं आपको वो बताता हूँ भैया जो आपको ज्ञात नहीं होगा। मुझे ज्ञात है आप क्या देख रहे हैं भैया, किंतु जो आपको दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए भैया और सभी विचारों से ध्यान हटाकर अपने अंतर्मन को भक्ति से पवित्र कर अपने भीतर बसे परम ब्रह्म पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, तभी आप सत्य देख सकेंगे। और अब आप सत्य देख सकेंगे भैया। उचित है गणेश, हमारा कैलाश सुरक्षित है। हाँ भैया, ये कृपा माँ महामाया ने की है, माया को भेद कर हमें वास्तविकता से अवगत करवाया। ये तो देवताओं की संयुक्त ऊर्जा है भैया, कैलाश के केंद्र की ओर बढ़ रही है। भैया हमें माया से तो मुक्ति प्राप्त हो गई, किंतु ये ऊर्जा अभी भी कैलाश के नष्ट होने का कारण बन सकती है। भैया हमें कैलाश को इस संकट से मुक्त कराने का कोई उपाय शीघ्र करना होगा। भैया मैं सुंदर प्रिय और विषय प्रिय को संभालता हूँ, आप भवन के भीतर जाकर दंभासुर और अन्य असुरों को वहाँ से बाहर कीजिए। उनके बाहर आते ही कैलाश को इस अदृश्य सुरक्षा घेरे से मुक्ति प्राप्त होगी। किंतु मैं भीतर क्यों जाऊँ गणेश? अब क्या तुम मुझे आदेश देने लगे हो? तुम यहाँ युद्ध करो और मैं भीतर चला जाऊँ? स्मरण रहे मैं देव सेनापति हूँ। हाँ हाँ भैया, सेनापति कार्तिकेय, मैं आदेश कहाँ दे रहा हूँ, मात्र आग्रह कर रहा हूँ आपसे। उचित है गणेश। मेरे पुत्र की माया से निकले अवश्य हो, किंतु मेरे पुत्र तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। से पुत्रों, भैया इनकी मूर्खता का लाभ उठाकर इनसे कैलाश को मुक्त कराएंगे हम। हाँ गणेश, अहंकार से उत्पन्न इनकी मूर्खता हमारी योजना की सफलता का कारण बनेगी।
शिव पुत्रों, पहचानो मुझे, तुम्हारा काल हूँ मैं। कौन किसका काल है ये तो समय बताएगा। हमसे उलझने का दुष्ट परिणाम अवश्य भुगतोगे तुम। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपका ये अहंकार अब आपके विनाश का कारण बनेगा। विनाश तो अब तुम्हारा होगा। आओ दंभासुर पुत्रों, आओ, तुम्हारी पराजय का प्रारंभ है ये। शुभता के शत्रु हैं आप, आपका सर्वनाश कर्तव्य है हमारा। ये लो सहो मेरा प्रहार। प्रिय, मैं आपको भी देखता हूँ। सुन जी, क्यों कैसी रही? उठो भ्राता विषप्रिया, उठने दो मुझे। उठो भ्राता विषय प्रिय, उठो। मेरी नाक। अरे भ्राता सुंदर प्रिय, हम स्वर्ग में हैं या नरक में? दिखाई नहीं देता तुम्हें भ्राता विषय प्रिय? एक ही वार से धूल धूषित कर दिया इन बालकों ने हमें। अर्थात हम जीवित हैं? आश्चर्य है मुझे, इनमें इतनी शक्ति कहाँ से आई? भैया, इनका ध्यान हमारी ओर है, अब योजना को मूर्त रूप देने का समय आ गया है। हाँ तो भैया, मैं ये कह रहा था कि यदि ये कार्य इस प्रकार किया जाए तो इसमें हम अवश्य सफल होंगे। ये दोनों क्या मंत्रणा कर रहे हैं? हाँ हाँ, अद्भुत भ्राता अद्भुत, यही उचित होगा अनुज। हाँ भैया, अब आप ही बताइए, उचित है ना ये? अब क्या योजना बना रहे हैं ये दोनों? असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता भैया। विषय प्रिय, कुछ तो रहस्य अवश्य है इनकी अपार शक्ति का। जी भ्राता श्री, जिसका भेद ज्ञात करने हेतु इनका ध्यान अपनी ओर किए बिना मुझे इनके निकट जाना होगा। सावधान रहिएगा भैया, ऐसा ना हो इनके निकट जाकर कहीं आप और बड़ी संकट में पड़ जाएं। संकट तो है, इसीलिए इस बीच तुम्हें इनका ध्यान भटकाना होगा। क्या मुझे? अच्छा ठीक है भैया, ये कार्य इसी प्रकार किया जा सकता है और इन्हें तनिक भी संदेह नहीं होगा और हमारा कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। बस आप इसी प्रकार बोलते रहिए, वे अवश्य सुनने का प्रयास करेंगे। कोई पीछे है? ए दुष्ट बालक, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? एक ही वार में थक गए क्या? भैया देखा आपने, कितने शक्तिशाली बन गए हैं हम। हाँ गणेश, कैलाश तो शक्तियों का केंद्र है। हाँ भैया, और इन मूर्ख असुरों को तो ज्ञान भी नहीं कि हमारी वास्तविक शक्तियों का क्या स्रोत है। अब तो इनकी शक्तियों का रहस्य जान कर ही रहूंगा। भैया प्रतीत होता है पिटाई से इनके कान और चाल दोनों धीमे हो गए हैं। थोड़ा और ध्यान से सुनता हूँ। भैया अभी अत्यधिक समीप आ चुके हैं, अब मूल रहस्य बताने का उचित समय आ गया है। मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा, नहीं तो इनका ध्यान भैया पे पड़ जाएगा। मूर्खों देखो इन शिलाओं को। इन्हें मूर्ख कहने वाले विषय प्रिय और थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते थे? हाहाहाहा।
और सहो मेरा प्रहार। सहजता से शिलाओं का वार लौटा दिया इन्होंने। अच्छा ही है, ये युद्ध कैलाश में हो रहा है। आपको स्मरण है ना भैया, अंतरिक्ष में मूषक जी से युद्ध में कितनी दुर्दशा हुई थी हमारी। मुझसे युद्ध अंतरिक्ष में कब प्रभु, कब? हाँ मूषक जी, अब छोड़िए उस बात को, आपको भी तो स्मरण है ही। ऐसा हुआ था क्या? हाँ हाँ, आपको स्मरण नहीं होगा मूषक जी। प्रातः सुंदर प्री, इनका रहस्य जानकर ही लौटना, अन्यथा व्यर्थ है ये तारणा। मैं सह रहा हूं। किसी तरह ही युक्ति लगाकर मुझे ये रहस्य जानना ही होगा। अनुज गणेश, केवल कैलाश में ही युद्ध करने पर विजयी हो सकेंगे हम। हाँ भैया, उचित कहा। कैलाश से बाहर हम इन महावीरों के समक्ष तो एक क्षण भी नहीं टिक सकेंगे। समझ गया, तो कैलाश से ही इन्हें इतनी शक्ति प्राप्त हो रही है। यहाँ तो ये अत्यंत बलशाली रहेंगे। इन्हें पराजित करने के लिए कैलाश से बाहर अंतरिक्ष में ले जाना होगा इन्हें। शिव पुत्रों, तुम्हारी शक्ति का रहस्य जान गया हूं मैं। अरे असुर जी, आप यहाँ? हमने तो सोचा आप वहाँ अचेत पड़े हैं। मूर्खों, सोचा तो बहुत था तुम दोनों भ्राताओं ने, लेकिन अब तुम नहीं हम सोचेंगे, और सोचेंगे नहीं करेंगे भी तुम्हारा अंत। मूर्खो, अब समाप्त होगा तुम्हारा कपट और तुम दोनों जाओगे मृत्यु के मुख में। गणेश, अपनी योजना सफल करने के लिए हमें सुंदर प्रिय का ये वार स्वीकार करना ही होगा। हाँ भैया। कहो शिव पुत्रों, आनंद आया? उत्तम, अति उत्तम वार किया है पुत्र। अहंकार अच्छा है, और मेरे पुत्र मेरा अहंकार है, और अब मेरे पुत्र शिव पुत्रों को उचित पाठ पढ़ाएंगे। कैलाश में इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, इसलिए हमें पराजित कर पा रहे थे। अच्छा, तो ये कारण था इनके अपार बल का। अरे, इन्होंने तो सब सुन लिया भैया। मूर्खो, हाँ सुन लिया मैंने। कैलाश के बाहर कुछ नहीं हो तुम, बहुत समय से हमें सता रहे थे ना, अब तुम्हारी बारी है। राता, तुम इस गजमुख बालक और इस मूषक को उठाओ, मैं इसके ज्येष्ठ भ्राता को लेके चलता हूँ। जी भ्राता श्री। Thank you.
जाओ, छोड़ो। प्रभु। अरे, किंतु आप हमें ले कहाँ जा रहे हैं? और कहाँ बालक? अंतरिक्ष। अरे नहीं नहीं असुर जी, अंतरिक्ष में मत ले जाइए हमें। अंतरिक्ष का नाम सुनते ही कैसे प्राण सूख गए तुम्हारे? अरे नहीं नहीं, अंतरिक्ष मत ले जाइए हमें। चलो भ्राता, शीघ्र ले चलो इन्हें। उतरो, उतरो, पुत्र सुंदर प्रिय, पुत्र विषय प्रिय, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो पुत्रो? सुनो पुत्रो, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे आप दोनों तो कैलाश के चारों ओर जो सुरक्षा घेरा है उसके ऊपरी सिरे की ओर जा रहे हैं। इस सुरक्षा घेरे को खोलने का उपाय तो होगा आपके पास, अन्यथा हम इससे टकराकर आहत हो जाएंगे। मैंने ही रचा है ये सुरक्षा घेरा, और इसे भेदना भी मुझे ही आता है। किंतु तनिक सोचिए सुर जी, यदि ये सुरक्षा घेरा खुल गया तो देवता भीतर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे और मेरे भ्राता को नीचे कैलाश पर ही ले चलिए, वही युद्ध कर लेते हैं ना। अरे गजमुख, मुझे मूर्ख समझा है क्या? हम बाहर निकलेंगे किंतु देवता अंदर नहीं आ सकेंगे। भैया ये तो हम कैलाश से बाहर जाने वाले हैं। विषय प्रिय, वो कुमार मेरे हाथों से मुक्त होकर कैलाश में ही रह गया। उसे जाने दीजिए भैया, कदाचित वो अंतरिक्ष में जाने के भय से भाग गया होगा। कोई बात नहीं, चलिए सर्वप्रथम इसके भाई का अंत करते हैं, फिर उसे ढूंढकर उसे भी खत्म कर देंगे। धन्य हो तुम गणेश, पुनः तुम्हारी चतुराई सार्थक हुई। अब तुम उन असुर भ्राताओं का अंत करो, कैलाश में स्थित इन दुष्टों को पाठ पढ़ाना अति आवश्यक है। इसीलिए भवन में स्थित दंबासुर और उसके असुरों को मैं पाठ पढ़ाता हूँ। उचित प्रेरणा और मार्गदर्शन पड़े से पड़े संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। महामाया की प्रेरणा और मार्गदर्शन से मेरे पुत्र इस युद्ध को अपने निर्णायक स्थिति पर ला चुके। Thank you.
हुआ भ्राता विषप्रिय है। उदंड बालक किधर गया? वो देखिए, वो सामने खड़ा है। तो यहीं खड़ा रहकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है ये बालक। राधा, मैं अभी जाकर इसकी जीवन लीला का अंत करता हूं। जी भ्राता श्री। तुम्हारा अंत करने के लिए मुझे कैलाश की शक्ति की आवश्यकता नहीं, वो तो मैं कहीं भी कर सकता हूं अपने हाथों से। किंतु तुम क्या करोगे अब उस शक्ति के बिना? मेरी विशालता में समाहित मेरी शक्ति के समक्ष कैसे टिक सकोगे बालक? छोटा सा कंटक भी बड़ी चुभन देता है असुर जी। शक्ति विशालता या आकार में नहीं, व्यक्ति के मन में उसकी इच्छा शक्ति से, उसके विचारों और उद्देश्य की पवित्रता से उत्पन्न होती है। अरे, ये एक से अनेक कैसे हो गए? ये अनेक है या मुझे दिखाई दे रहे हैं? यहाँ अंतरिक्ष में तो इसकी शक्ति क्षीण हो जानी चाहिए थी, फिर ये कैसे संभव है? देखा, उचित कहा था ना मैंने। वास्तविकता तो ये है कि कैलाश की शक्ति के बिना आप असुर दुर्बल हैं। तो इस बालक ने हमें मूर्ख बनाया और छल से हमें कैलाश से यहाँ अंतरिक्ष ले आया। दुष्ट बालक, अभी ज्ञात हो जाएगा कि कौन दुर्बल है और कौन सबल। अब सामना करो मेरा गजमुख बालक। हमें दुर्बल समझकर बहुत बड़ी भूल कर बैठे हो तुम। इसने अपने प्रतिरूप तो माया से रचे हैं, किंतु वास्तविक विषय प्रिय भी अवश्य इन्हीं में से एक है। प्रकाश के प्रभाव से तो ये सभी आंशिक रूप से पारदर्शी हो गए, किंतु इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं हुआ, अर्थात यही है वास्तविक विषय प्रिय। दूर हुआ ये विघ्न। ये ग्रह मुझसे टकरा गया तो? मेरी रक्षा करने वाले हाथ किसके? चिंता मत करो भ्राता, उस बालक का अंत हमारे ही द्वारा निश्चित है। है कि प्रथम पूज्य श्री गणेश और सेनापति कुमार कार्तिकेय विजयी होंगे, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है नसरों की। देखो वहां वो मयूर,
कोई आरूढ़ भी है उस पे। जो कोई भी हो शत्रु है हमारा। रोको उसे, रोको। ये क्या हो रहा है? और ये शिवपुत्र यहाँ कैलाश में कैसे रह गया? और मेरे दोनों पुत्र उस गजमुख के साथ कहाँ चले गए? पुत्रो, सुंदर प्रिय, विषय प्रिय, शीघ्र अति शीघ्र इन असुरों से छुटकारा पाऊंगा मैं। क्या हुआ असुर भ्राताओं? अंतरिक्ष में आपकी शक्तियाँ क्यों क्षीण बढ़ गई है? दुष्ट बालक, ठहर जाओ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें अपनी शक्ति। आप रुकिए, आपको थोड़ा भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपने माया के जाल में ऐसा फंसाऊंगा ये कभी अंतरिक्ष से बाहर ही नहीं जा पाएगा। उचित है भ्राता। तो पुनः ही अपनी माया का प्रयोग कर रहे हैं। आश्चर्य, यहाँ तो अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। किंतु ये दोनों असुर भ्राता गए कहाँ? अब इस उलझन को कैसे सुलझाऊं मैं? क्या हुआ बालक, किसकी शक्ति छीण हो गई अब? कैसा मायावी भ्रम जाल है ये, कहाँ है ये दोनों? अरे बालक, वहाँ कहाँ देख रहे हो, देखो हम तो यहाँ हैं। ये दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर इनका स्वर कहाँ से आ रहा है? अब मैं ऐसा प्रहार करूँगा जिससे कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? ये असंख्य शिलाएं तो मेरी ओर ही आ रही हैं। हमें एक चुनौती देने का दुस्साहस किया तो तुमने? यही धारणा थी ना तुम्हारी कि हमारी शक्ति कैलाश के कारण है? अब कहो, खंडित हो गई ना तुम्हारी धारणा गणेश? क्यों गणेश, गणेश, गणेश? प्रातःश्री, ये सब क्या हो गया? पुत्र गणेश, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जहाँ तुम्हारे नाम का स्मरण होगा वहाँ मोह माया का भ्रम कभी भी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगा। ये माँ महामाया की वरदान का परिणाम है, मेरा नाम लेकर इसने अपनी ही माया को नष्ट कर दिया। असुर जी, आप तो अपना अवसर गंवा चुके, अब मेरे वार से अपनी रक्षा कीजिए। प्रताश्री संभलिए। Yeah!
की चिंता नहीं है मुझे, किसी भी प्रकार शीघ्र अति शीघ्र अपना उद्देश्य पूर्ण करना है मुझे। शिवपुत्र तो इसी ओर चला आ रहा है, रोको इसे, आगे मत बढ़ने दो, रोको। जो मेरे मार्ग में आएगा मृत्यु ही पाएगा। ये शिवपुत्र तो आगे ही बढ़ता चला आ रहा है, सैनिकों रोको इसे। कार्तिकेय भवन में पहुंच चुका है। संकट अभी टला नहीं है। गणेश और कार्तिकेय को शीघ्र इस समस्या का समाधान करना होगा। मेरे पुत्र सुरक्षित तो है ना? मेरे दोनों पुत्र सुंदरप्रिय और विषयप्रिय कहां रह गए? मात्र एक बालक का अंत करने में इतना समय क्यों लग रहा है उन दोनों को? अब वो दोनों यहां नहीं हैं, तो मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं? प्रातःश्री बचिए। क्यों असुर भ्राता, कैसी रही? स्मरण नहीं, हमारे पिता दंभासुर अभी भी कैलाश के अधिपति हैं, इसीलिए तुम्हें नष्ट करने के बाद कैलाश जाकर त्रिदेव और त्रिदेवियों को बंदी बनाकर अपना दास बनाएंगे हम। आप प्रातःश्री। बस अहंकारी असुरों, बहुत हुई आपकी मायावी क्रीड़ा। आपने त्रिदेव और त्रिदेवियों को लेकर ऐसे अपमानजनक शब्द भी बोलने का दुस्साहस कैसे किया? आओ आओ बालक आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये कैसा मायावी भंवर है? अब मैं यहां से कैसे मुक्त हूँ? कहीं भैया भी किसी संकट में तो नहीं? भावर में तो ये भी विषय प्रिय की ही माया है। मुझे किसी प्रकार यहाँ से मुक्त होना होगा।
अब यही एक युक्ति है। मोशन जी, मेरा नाम लीजिए। नाम लो आपका। ये क्या कह रहे हैं प्रभु, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? मोशन जी, जो कह रहा हूँ वो करिए, मेरा नाम लीजिए। उचित है प्रभु। मूषक जी, समझिए बात को, मेरा नाम लेंगे तो ये चक्र बंद हो जाएगा। प्रभु, आपने नाम बोला तो मैंने प्रभु। नहीं नहीं, मेरा नाम। उचित है स्वामी। मेरा नाम बोलिए मूषक जी, मेरा नाम। वही तो कह रहा हूँ, माता पार्वती नंदन। नहीं तो महादेव पुत्र। ओहो, मेरा वास्तविक नाम लीजिए मूषक जी। मैं आपका नाम लेने की दृष्टता कैसे कर सकता हूँ प्रभु? मूषक जी, मेरा आदेश है, मेरा नाम लीजिए आप। क्या कर रहे हैं मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अंततः विषय प्रिय की माया भंग हो गई और स्थिति यथावत हो गई। भ्राता, ये सब कैसे संभव है? असुर भ्राताओं, आपने मेरे मूषक जी को बहुत कष्ट दिया, इन्हें गोल गोल घुमाकर उचित नहीं किया आपने। हाँ प्रभु, बहुत कष्ट हुआ। यहां तक पहुंच गया ये शिवपुत्र। तो तुम हो अहंकारी दुस्साहसी असुर दंबासुर। आओ शिवपुत्र कार्तिकेय, स्वागत है तुम्हारा। क्या सोचा था तुमने, मेरे प्रहरियों का अंत करके यहां तक चले आए तो क्या मेरा भी वध कर दोगे? दंभासुर हूं मैं, दंभासुर। मेरा स्पर्श भी असंभव है, असंभव, असंभव, असंभव। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। उद्दंडता का दंड मैं आपको अवश्य दूंगा। अनुज, भैया ने पुकारा मुझे। भैया, मैंने बहुत प्रयास किया अनुज, किंतु इनकी संख्या बहुत अधिक थी, इसीलिए मैं इनसे पार नहीं पा पाया। बंदी बना लिया इन लोगों ने मुझे, इन असुर सैनिकों ने बंदी बना लिया मुझे अनुज। छोड़ो मेरे भ्राता को। भैया चिंता ना करें आप, मैं इन असुरों को नष्ट करूंगा, मुक्त करवाऊंगा आपको। नहीं अनुज, अब तुम और कुछ मत करो, अन्यथा इससे भी बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यहां मैं बंदी हूं और वहां दंबासुर ने माँ और पिताश्री को। माँ और पिताश्री को क्या, उन्हें क्या हुआ भैया? भैया, मैं तो स्वयं परम ब्रह्म का वास है, उन्हें कोई बंदी बना ले, असंभव है। ये सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो माँ और पिताश्री का कोई अहित कर सके, फिर ये सब क्यों हो रहा है? भैया, ये क्या हो गया?
संभवतः ये भी नसुरों की कोई माया ही है। ये हो सकता है। प्रभु की भांति यहाँ छल का उत्तर युक्ति से देना होगा। बहुत हुआ ये प्रलाप। अब हमारे महान दंबासुर पिता की शक्ति का ज्ञात हो गया तुम्हें। चुपचाप से बंदी बनकर हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण परिवार नष्ट हो जाएगा। सुना नहीं तुमने गजबुक वाला? चलो आप। हाँ चलो। अरे तुम नहीं वो। अरे मैं ही तो चल रहा हूँ। अरे दुष्ट मूषक तुम नहीं वो, वो कौन? अरे वो गणेश, गणेश, गणेश। माया है ये, मैं समझ गया था। हाँ प्रभु, ये असुरों की माया ही थी। वाह मूषक जी, आप भी युक्ति से कार्य लेने लगे हैं। प्रभु आपकी ही संगत का प्रभाव है। सर्वप्रथम मुझे इस स्थान से इस असुर को दूर ले जाना होगा। क्या हुआ दंबासुर? कैलाश के अधिपति बनकर भी इतने भयभीत क्यों हो? व्यक्ति का अहंकार ही उसकी हीन भावना को दर्शाता है दंबासुर। व्यर्थ है तुम्हारा अहंकार। तुम्हारे पुत्र हम देवताओं की शक्ति का सामना करने के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी उनकी शक्तियों का भ्रम पाले बैठे थे तुम। अब उसका परिणाम भुगतने का समय आ गया है दंबासुर। बहुत बोल चुके, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं अपना अहंकार। मैं अपने दंभ से क्या कर सकता हूं? शिव पुत्र कार्तिकेय, मैं दंभासुर अब स्वयं रोकूंगा तुम्हारी ये क्रीड़ा। ये स्थान मेरे पिताश्री का ध्यान स्थान है, मेरे लिए पूजनीय है, इसीलिए तुम्हारे रक्त से मैं इसे अपवित्र नहीं करना चाहता था, किंतु आप पुत्र कदाचित तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। अब तुम्हें पराजित करूंगा मैं, तुम्हारे दंभ का अंत करूंगा मैं। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। Hmm?
अभी एक खड़ग है मेरे पास। कैसी अग्नि धधक रही इसके नेत्रों में? बार बार एक ही अपराध कर रहे हैं आप। मुझे ये विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा परिवार और मेरा निवास संकट में है, और इस बार तो आप अपनी सभी सीमाएं लांघ चुके हैं, किंतु अब इसका परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अब आनंद आएगा। राताश्री, ये बालक तो विकराल बन गया। अरे इस पर तो मेरे माया का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब तो यहाँ से भागना ही उचित है। भाग कहाँ रहे हैं आप दोनों? छोड़ दे दुष्ट बालक। छोड़ो। आप असुरों के कारण तोतला जी संकट में आए। आपके कारण मेरे माता पिता को दुख देखना पड़ा। आपके कारण कई निरीह जीव मारे गए। आप दोनों जीवित रहे तो अन्य प्राणियों के लिए सदैव संकट बने रहेंगे, इसीलिए आप दोनों का संहार होना ही उचित है। छोड़ो बालक, छोड़ो, छोड़ो मुझे। अब आप भी अपनी माया रचने का परिणाम भुगतिए। बहुत हो गया शिव पुत्र। यदि मेरे शक्तिशाली पुत्र यहाँ होते तो क्षण भर में तुम्हारा अंत कर देते, किंतु अब मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध करूंगा। मेरे पुत्रों की यह दशा। तुम दोनों मेरा गर्व, मेरा अभिमान, मेरा अहंकार हो, दंभासुर के दंभ का आधार हो। तुम दोनों की शक्ति से मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूँ। मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूँ। मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूँ। सुंदर प्रिय, विषय प्रिय, मेरे पुत्रों, सुंदर प्रिय, विषय प्रिय, मेरे पुत्र, सुंदर प्रिय, सुंदर प्रिय, मेरे पुत्र। Oh!
मेरे पुत्रों का अंत किया तुम्हारे भ्राता ने। अंत नहीं किया, दंड दिया है उन्हें। नैतिकताओं से कोसों दूर रहने वाले असुर, तुम्हारे पुत्रों ने अपनी शक्ति और माया के प्रयोग से बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसका यही दंड उचित है। दंड तो अब तुम भुगतोगे। दंबासुर अब ये क्या कर रहा है? क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? दंबासुर कैलाश की समस्त शक्ति को अपनी ओर खींच रहा है, ताकि वो उसे एकत्र कर उसी के वार से कार्तिक को क्षति पहुंचा सके। अब देखो तुम, तुम्हारे पिता के कैलाश की शक्ति से ही तुम्हारा अंत करूंगा मैं। सुरक्षा घेरा खंडित नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हमारी छोड़ी हुई शक्तियां और बढ़कर इस घेरे को खंडित करने का प्रयास कर रही हैं। कैलाश की शक्ति ही कैलाश को हानि पहुंचा रही है। मुझे इस दंबासुर को इस शक्ति से वंचित करने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा, किंतु क्या है वो उपाय? कुमार कार्तिकेय, अब और समय नहीं है तुम्हारे पास। यह संभव है? यह नहीं हो सकता। संभव है? ये नहीं हो सकता।
काल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय दम्भासुर संसार का प्रत्येक अहंकार तो नष्ट होकर ही रहता है। मैं अपने इस स्वरूप में अहंकार का सर्वनाश करता हूँ। सत्य कहा प्रभु, मेरा अहंकार नष्ट हुआ और मैं सत्य को जान पाया। ये आपकी कृपा है प्रभु। सर्वदा मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अंत मत कीजिए, मेरा अंत मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो स्वभाव ही है असुरों का, भारी पड़े तो शीश पर चढ़कर केश पकड़ते हैं, अन्यथा चरणों में ही गिर जाते हैं। देवताओं द्वारा उत्सर्जित शक्ति अब भी कैलाश की ओर बढ़ रही है, उसे किसी प्रकार से नष्ट करना होगा हमें। पुत्र मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अंत मत कीजिए। तुम्हारा अंत करने के एक नहीं कई कारण है दम्भासुर, स्मरण करो। अब से कैलाश का अधिपति मैं हूँ, केवल मैं। बिना मेरी अनुमति के कैलाश में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कैलाश असुरों का है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है दम्भासुर। मानसरोवर का जल ही तुम्हारे पापों का अंत कर सकता है दम्भासुर। नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, क्षमा क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे मानसरोवर में मत फेंकिए प्रभु। नहीं प्रभु, नहीं 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 नहीं। मेरे साथ कैसी अद्भुत अनुभूति हो रही है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावसंतं पद्मासीनं समन्ता स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं
पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मेरा तो सर्वत्र नष्ट हो गया प्रभु, मेरे पुत्र जो मेरा अहंकार थे आपने उनका भी वध कर दिया। तुमने अपने पुत्रों और अपने अहंकार से कैलाश को हानि पहुंचाने का प्रयास किया और जिसके कारण इतने निर्दोष असुरों का अंत हुआ, और अब उसी अहंकार के कारण तुम्हारा भी अंत होगा दंभासुर। अब अपनी मृत्यु के लिए तत्पर हो जाओ। पुत्र गणेश, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। उसे क्षमा कर दो पुत्र गणेश। दंभासुर के पुत्रों के साथ तुमने उसके अहंकार का नाश किया। यदि तुम उसका वध कर दोगे तो इसे अपनी भूल का पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा। उसे क्षमा कर दो पुत्र। हाँ प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आपने अपने वक्रतुंड रूप के दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, मेरे सारे विकार हर लिए हैं आपने, मेरे सबसे बड़े पाप अहंकार से मुझे मुक्ति दी। अब एक कृपा और कर दीजिए प्रभु, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर मुझे सन्मार्ग पर चलने का अवसर दीजिए। ओम वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडावताराश्च देहानं ब्रह्मधारका। ओम वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडावताराश्च देहानं ब्रह्मधारका। ओम वक्रतुंडाय नमः। मेरा ये वक्रतुंड स्वरूप अहंकार को नष्ट करने के लिए है, किंतु जो अपनी भूल स्वीकार कर सुधरने की चेष्टा करेगा मैं उसे उसका अवसर भी अवश्य दूंगा। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम कभी महादेव के आसन पर स्थित नहीं हुए, अपितु सदैव उनके चरणों में आसन ग्रहण किया और मेरी स्तुति गाकर तुमने मुझे प्रसन्न किया, अन्यथा तुम्हें क्षमा करना असंभव हो जाता। जाओ दंभासुर, अपने इस अवसर का उचित प्रयोग करो, सत्कर्म करते हुए अहंकार रहित जीवन व्यतीत करो। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। आज से मेरा ये वक्रतुंड स्वरूप अहंकार के दबन के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। अहंकार के दबन के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। अहंकार के दबन के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। वास्तविकता में अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो अवसर पाते ही प्रबल होकर भिन्न भिन्न रूप लेकर हमें अपने वश में कर लेता है। किसी को धन का अहंकार है तो किसी को सौंदर्य का, विद्या का, वाहन का, शक्ति का, और किसी किसी को तो भक्ति का भी अहंकार हो जाता है। कारण जो भी हो, अहंकार तो सदैव पतन की ओर ही ले जाता है, इसलिए हमें अहंकार को कभी अपने भीतर नहीं आने देना चाहिए। और स्मरण रहे, जो स्वयं को ईश्वर के कार्यों का साधन मात्र समझकर अपने कर्म करता है उसे अहंकार कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता।
और अहंकार का ये विष मात्र असुरों को ही नहीं देवताओं पर भी हावी हो सकता है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पिताश्री, आपके आशीर्वाद और माँ महामाया के मार्गदर्शन के कारण ही मैं और भैया कैलाश को पुनः सुरक्षित करने में सफल हुए। हाँ पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिके, मुझे तुम दोनों पर तनिक भी संदेह नहीं था, क्योंकि जो धर्म के सहायक बनकर सत्कर्म करते हैं, अधर्म उनके मार्ग में बाधा अवश्य बन सकता है, किंतु उन्हें रोक नहीं सकता। महादेव, देवी पार्वती, अब हमें आज्ञा दीजिए। महादेव, अब हम सबको भी आज्ञा दीजिए। मेरा कैलाश, मेरा भवन, इतने समय से जिस सुख की मैं प्रतीक्षा कर रही थी वो मुझे आज प्राप्त होगा जब मैं यहाँ प्रवेश करूंगी। रुकिए माँ, रुकिए। अब गणेश क्यों रोक रहा है मुझे? माँ, इन असुरों ने जो बाधा उत्पन्न की, कदाचित उसके कारण आप ये भी भूल गईं कि आप पिताश्री से पुनर्विवाह करने के बाद कैलाश लौटी हैं। हाँ माँ, और नवविवाहिता तो विधि अनुसार ही गृह में प्रवेश कर सकती है ना? तो आप यही रुकिए माँ, तनिक प्रतीक्षा और कीजिए, भैया और मैं अभी आए। ये क्या हुआ स्वामी, कहाँ चले गए ये दोनों? तुम्हारे पुत्र हैं उमा, दोनों एक साथ गए हैं तो कुछ ना कुछ कोलाहल तो अवश्य होगा। माँ, पिताश्री, आप दोनों का स्वागत है। मेरे स्वागत में मेरे पुत्र और गण इतनी सुंदर व्यवस्था करेंगे, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आइए माँ, अब आगे बढ़िए, चलिए पिताश्री। दनेदी, कालती तेदी, अब आप लोग मादेव और माताती आलती प्लालम तलिए। माँ, अब अपना दाहिना पांव बढ़ाकर इस कलश को एक मंद ठोकर से उलट दीजिए, फिर अपना पांव भीतर रखिए। अच्छा पुत्र गणेश, तुम तो सभी विधि विधान में बहुत निपुण हो गए हो। इसका श्रेय तो मामी जी और बुआ जी को जाता है माँ, उन्होंने ही मुझे सब कुछ विस्तार से समझाया है। माता, माता मुझे तमाम जल्दी दे माता, माता मैं और अन्य दिन आते तो आते तब प्रबंध कर लेते, किंतु यह अतुल माता इंतजार तब अतुला लेते। माता मुझे तमाम तल दे दिया माता,
कोई बात नहीं तोतला जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, किंतु आपने जो कुछ भी किया मैं तो उसी से बहुत प्रसन्न हूँ। आइए माँ, आइए पिताश्री। तुमसे रिक्त मेरे अपूर्ण जीवन को आज तुमने पुनः पूर्ण कर दिया उमा। कैलाश लौटकर मुझे इतना आत्मिक सुख मिल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यहाँ का कण कण मुझे स्नेह से निहार रहा है। सर्वप्रथम मैं प्रभु की पूजा और अभिषेक करूंगी। तुमने कैलाश लौटकर मेरे जीवन को पुनः आनंद से परिपूर्ण कर दिया है उमा। नाथ, आनंदित तो मैं हूँ, अब मेरे समस्त कष्ट दूर हुए, पुनः सुखों से भर गया मेरा जीवन। माँ के लौट आने से, हमारे संपूर्ण परिवार के कैलाश में एकत्रित होने से मेरा हृदय तृप्त हो गया। सत्य है, अंत भला तो सब भला। प्रभु, मेरी ये पुष्पांजलि स्वीकार कीजिए। माँ तो पूजा में लीन है, नहीं, ये उचित समय नहीं उन्हें मेरे प्रस्थान के बारे में बताने का। पूर्व में जब माँ से कहा था तो वो क्रुद्ध हो गई थी, अब कैसे उनके समक्ष अपनी बात रखूं मैं? पुत्र कार्तिके? माँ, माँ मैं ये कहना चाह रहा था। ये देखो, इसे यहाँ किसने रखा? इसे तो यहाँ होना चाहिए था। अरे अरे माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मैं हूँ ना। ओह, माँ का मन तो अभी भी सामान्य नहीं, कैसे कहूँ उनसे, कहीं वो क्रुद्ध ना हो जाएं। लीजिए माँ, उचित है ना? अब उचित तो कुछ भी नहीं है पुत्र। इस कक्ष की अवस्था तो देखो, यहाँ तो सभी कुछ अस्त व्यस्त है। मुझे ज्ञात है पुत्र, मेरी अनुपस्थिति में नंदी और गण सब कुछ व्यवस्थित रखने का प्रयास कर रहे थे, किंतु कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब व्यवस्थित कर दूंगी। हाँ माँ, और इसमें मैं आपकी सहायता करूंगा, और भैया भी है ना? भैया आप भी माँ का हाथ बटाएंगे ना? हाँ गणेश, किंतु माँ वो शुभ कार्य में विलंब क्यों, मुझे अभी प्रारंभ करना चाहिए। अरे हाँ पुत्र, तुम कुछ कह रहे थे ना? कहा पुत्र? माँ, मुझे अब प्रस्थान करना होगा। शीघ्र पुत्र। हाँ माँ, आपके और पिताजी के पुनर्विवाह, आपके कैलाश लौटने में समय तो जैसे गतिमान पक्षी की तरह उड़ गया। अब मुझे अपने स्थान दक्षिण जाना ही होगा माँ। पुत्र मुझे क्या था? तुम्हारे महत्वपूर्ण कर्तव्य और दायित्व है पुत्र, किंतु पुत्र अभी तो मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो। बस कुछ और दिवस रुक जाओ पुत्र, कुछ और दिवस। हाँ भैया।
मुझे भी आपके साथ क्रीड़ा करने का समय ही कहाँ मिला। कुछ दिवस और रुक जाइए ना। माँ, आपको तो ज्ञात है ना, पिताश्री नियमों का उल्लंघन कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। और मुझे भी दक्षिण जाकर अपने कर्तव्य का पालन करना है माँ। इसलिए मुझे आप जाने की अनुमति दीजिए माँ। प्रणाम माँ। तुम्हारा जाना हमें दुखी अवश्य करेगा पुत्र, किंतु तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है पुत्र। यदि अनिवार्य है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी पुत्र। जाओ पुत्र, सफलता सदा तुम्हारे साथ रहे पुत्र। धन्यवाद माँ। भैया भैया कुछ दिवस रुकिए ना, बहुत आनंद आएगा। अरे गणेश, विदा लेने का समय आ गया है अनुज। भैया रुक जाइए ना भैया, कृपया रुक जाइए भैया। माँ हूँ इसीलिए तुम्हारे प्रस्थान का सुनकर हृदय व्याकुल होता, किंतु तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा पर गर्व है मुझे पुत्र। अपना, माँ और पिताश्री का ध्यान रखना। भैया। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय, मां को सुख पहुंचाना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। वो चाहती हैं तो कुछ और दिवस यहां रुक जाओ। अवश्य पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब मेरा पूर्ण परिवार प्रसन्न है, कोई उलझन शेष नहीं, तो मैं निश्चित होकर ध्यान कर सकता हूं। ये ध्वनि कहां से आ रही है? तो गणेश से आ रही है यह ध्वनि। अरे ऐसे विस्मय से क्यों देख रहे हैं आप दोनों मुझे? वो माँ, इतने दिनों से मेरा कुछ पोषण नहीं हुआ ना, उदर में कुछ नहीं गया, इसीलिए मेरा ये उदर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया दे रहा है। चिंता मत करो पुत्र, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रिय व्यंजन अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। माँ के हाथ से व्यंजन, उसकी तो कल्पना से ही मेरे मुख में पानी आ गया। उचित है माँ, उचित है, सर्वथा उचित है। प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम ऋषिवर अंगीरस। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। माँ का हृदय अपने संतानों में भेदभाव नहीं करता जगत जननी। आप अपने पुत्रों को स्वयं अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाएं, जबकि आपकी अन्य संतानें भूख प्यास से त्रस्त होकर अपने प्राण गंवाने पर विवश हो रही है। ये कहां का न्याय है माते?
ऋषि अंगीरस, ये आप क्या कह रहे हैं? उचित ही तो कह रहा हूँ माता। जब भगवान ही भक्त की गुहार ना सुने तो विवश होकर भक्त को भगवान के निकट आना ही पड़ता है। ऋषि अंगीरस, आप जो कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही। आप बहुत लंबी यात्रा से आए, तनिक विश्राम कर जलपान ग्रहण करी, फिर आपको जो भी कहना है विस्तार से कहिएगा। माता, मैं अपने कठोर वचनों के लिए क्षमा चाहता हूं। विश्राम का अवकाश नहीं है मेरे पास, जलपान नहीं करूंगा मैं। भोजन का निवाला कैसे अपने मुख में रख सकता हूं माता, जबकि दक्षिण में मेरे बंधु बांधव घोर कष्ट में है। दक्षिण में ऋषिवर, क्या हुआ है वहां? रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, कोई हमारी रक्षा कीजिए, हम मृत्यु को प्राप्त। इतनी व्यथा, ऐसा रुदन, क्या कारण है इसका? महादेव, पानी पानी अपनी संतानों का दुख देखा नहीं जाता, खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। प्रभु कुछ कीजिए, प्रभु बच्चे भूख से विलग रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। पानी प्रभु पानी। महादेव, हम दुखियारों पर दया करो महादेव। अब तो प्रथम पुत्र गणेश ही सबके विघ्न हरते हैं, हमारी पुकार सुन हमारे जीवन का विघ्न हरेंगे। प्रभु हमारे प्रभु। वहां तो भीषण अकाल पड़ा है। अकाल? असंख्य निर्दोष जीवन इस भयंकर अकाल की भेंट चढ़ चुके हैं गणेश जी, और जो शेष रह गए हैं उन्हीं के लिए मैं यहां पर आया हूं। महादेव ने मां गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया था, अब तो वही एक आस है कि वो मेरी गुहार सुन ले और पुनः माँ गंगा को अकाल से पीड़ित धरती पर प्रभावित होने की अनुमति दे। कदाचित ये उचित समाधान नहीं है ऋषिवर। माँ गंगा के प्रचंड वेग से तो और विनाश हो सकता है। गणेश, वर्षा करवाने का दायित्व तो देवराज इंद्र का है ना, तो तुम उन्हें ही बुलाकर क्यों नहीं पूछ लेते कि वो वहां वर्षा क्यों नहीं करवा रहे हैं? हाँ पुत्र गणेश, यही उचित रहेगा। ऋषिवर आप निश्चिंत रहिए, मैं इस समस्या का समाधान शीघ्र ढूंढूंगा। और जो जीवन अकाल से त्रस्त हैं, वो जब तक भोजन नहीं पाते तब तक मैं भी भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है। त्रस्त हैं, वो जब तक भोजन नहीं पाते तब तक मैं भी भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है। ये कैसा प्रण ले लिया गणेश ने? इतना बड़ा त्याग करेगा गणेश? देवराज इंद्र को शीघ्र ही संदेश भेजना होगा।
सुन जी, जाओ शीघ्र देवराज इंद्र को मेरा संदेश पहुंचाओ। प्रणाम देवराज। प्रभु क्षमा कीजिए देवराज, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। ऐसा भी क्या आवश्यक है जो तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? देख नहीं रहे कितनी लंबी यात्रा के बाद लौट रहा हूं मैं? क्षमा करें महाराज, क्षमा करें देवराज। देवी शची, नहीं दर्पण के समक्ष रुक जाइए। स्वामी मुझे क्यों रोक रहे हैं? इतना समय बीत गया है ना, आपके इस अनुपम सौंदर्य को निहारे अब कहीं जाकर मुझे अवकाश प्राप्त हुआ है। स्वामी मुझे इस सुख का आनंद लेने दीजिए। प्रिय अति सुंदर स्वामी, आपने तो मुझे महादेव और देवी पार्वती के विवाह पर देखा था ना? यह तो मेरा सौभाग्य है प्रिय कि महादेव और माता पार्वती के शुभता और सौंदर्यता से परिपूर्ण विवाह के अवसर पर मैं वहां उपस्थित था, किंतु वर पक्ष के सदस्य होने कारण मेरे इतने सारे दायित्व थे कि मेरा ध्यान बस उन्हीं में था। ये क्या कह रहे हैं आप स्वामी, देवराज के दायित्व तो व्यक्तिगत दायित्वों से कहीं ऊपर है। देवराज के पद के दायित्वों का इतना भार है मुझ पर कि कभी कभी मैं सोचता हूँ स्वयं के लिए मेरे पास तनिक भी समय नहीं है। एक दायित्व पूर्ण होता नहीं कि दूसरा दायित्व प्रारंभ हो जाता है। सोचता हूँ क्या देवराज का पद मैंने इसीलिए स्वीकार किया था? स्वामी ऊंचे पद के उत्तरदायित्व भी बड़े होते हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि आप देवराज के इस पद पर आसीन हैं। देवी शची बस कीजिए, ये पद कार्यभार उत्तरदायित्व की बातें छोड़िए, ये सब कुछ। वैसे भी इतने समय बाद तो मुझे समय मिलेगा कुछ विश्राम और मनोविनोद करने का। इसे यूं ही गवाना उचित नहीं होगा प्रिय। क्या है
सूखा पत्ता स्वर्ग में? स्वामी, अवश्य किसी का संदेश है इस पर, अभी देखता हूं। देवराज, आपसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विचार विमर्श करना है, इसलिए आप शीघ्र कैलाश आ जाइए। गणेश, अभी अभी तो आया हूं और अभी चला जाऊं? स्वामी, क्या हुआ स्वामी? ये देखिए देवी शची, कार्य कार्य बस कार्य। गणेश जी ने मुझे देवराज को पुनः कैलाश बुलाया, ये संदेश भेजा है उन्होंने कि मुझसे कुछ अत्यंत आवश्यक विचार विमर्श करने हैं। पता नहीं ऐसा भी क्या है। स्वामी, प्रथम पूज्य गणेश जी ने आपको बुलाया है तो आपको अवश्य ही जाना चाहिए। देवी शची, आप ये क्या कह रही हैं? मैं उन्हीं के कार्यों में तो व्यस्त था। महादेव और माता पार्वती के विवाह से अभी अभी तो मैं लौटा हूं। इस प्रकार तो आजीवन मैं उन्हीं के कार्यों में बंधा रहूंगा और स्वयं के लिए विश्राम के लिए मेरे पास तनिक भी समय नहीं बचेगा। स्वामी, उन्होंने बुलाया है तो अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, आपको निसंकोच वहां जाना चाहिए। विश्राम तो आप लौटकर भी कर सकते हैं। नहीं देवी शची, इस प्रकार तो एक कार्य का चक्र कभी नहीं थमेगा। मुझे स्वयं ही कुछ सीमाएं निर्धारित करनी होगी। क्या देवराज होते हुए मुझे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं तनिक विश्राम कर सकूं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने सारथी मातली को ही भेज दूंगा। वही जाकर गणेश जी से पूछ लेंगे कि ऐसा भी क्या आवश्यक कार्य है। स्वामी, ये उचित नहीं कर रहे हैं। कुछ सुख भोगने के अवकाश का तो देवराज को भी अधिकार है। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम कुमार कार्तिकेय। मैं देवराज इंद्र का सारथी मातली हूं, उन्हीं के आदेश अनुसार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप अकेले आए हैं? देवराज स्वयं नहीं आए? जी नहीं, वो बहुत थके हुए थे, उन्हीं के आदेश के अनुसार मैं आपके पास आया हूं। मैं आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा। थके हुए थे, ये कारण है उनके नहीं आने का? मातली जी, देवराज को मेरा संदेश दीजिए कि मैं उनसे अभी मिलने का इच्छुक हूँ। प्रथम पूज्य होने के नाते ये मेरा आदेश है। अवश्य प्रभु। ये कैसा अनुचित आचरण किया देवराज ने? मेरा संदेश पाकर देवराज स्थिति की गंभीरता अवश्य समझेंगे, मुझे विश्वास है वो मेरे संदेश का मान रखेंगे। आहा, अद्भुत! आज तो आपके हाथों से परोसा भोजन भी अत्यंत स्वादिष्ट प्रतीत होता है। स्वामी, क्या हुआ मातली? देवराज को मेरा संदेश दीजिए कि मैं उनसे अभी मिलने का इच्छुक हूँ। प्रथम पूज्य होने के नाते ये मेरा आदेश है। स्वामी को गणेश जी के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जेंद्र हूं मैं, तो क्या सभी के दिए आदेशों को स्वीकार करने का निरादर चाहूंगा? कदापि नहीं। शांत हो जाइए स्वामी।
शांत नहीं होऊंगा मैं। आज ही महादेव से भेंट करूंगा मैं और इस विषय में बात करूंगा उनसे। रुक जाइए स्वामी, स्वयं को शांत कीजिए, इस बात को बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। बात तो अब बढ़कर रहेगी देवी शची। देवराज इंद्र हूं मैं, कोई अन्य देवता मुझे आदेश दे ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। स्वामी, मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान कर दे जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया आपका अभिमान मेरे पुत्र के अपमान का कारण नहीं बन सकता। स्वामी का इतनी क्रोधित अवस्था में जाना उचित नहीं, किंतु उनको रोकना भी तो संभव नहीं है। किंतु पिताश्री, देवराज ने अपने सारथी मातली को मेरे पास भेज दिया। हाँ पिताश्री, देवराज का ये व्यवहार सर्वथा अनुचित है। ऐसा प्रतीत होता है कि देवराज इंद्र के भीतर अभी भी अहंकार शेष, जो इस पद पर होने वाले के लिए सर्वथा अनुचित है। जो जितने ऊंचे पद पर आसीन होता है उसे उतनी ही चुनौतियों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। अब देवराज इंद्र की भी एक कठिन परीक्षा का समय आ गया है। देवराज की परीक्षा? आपका कल्याण हो इंद्रदेव, मैं तो आपसे ही भेंट करने आ रहा था। ये क्या, देवराज ने मुझे देखा तक नहीं? देवराज, देवराज सुनिए। देवगुरु बृहस्पति। क्या हुआ देवी सची? देवराज इंद्र इतने आवेश में गए कि उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया और आप इतने व्याकुल हैं? गणेश जी ने उन्हें अपने यहां बुलाया था। क्या देवराज होते हुए मुझे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं तनिक विश्राम कर सकूं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने सारथी मातली को ही भेज दूंगा। देवराज को मेरा संदेश दीजिए कि मैं उनसे अभी मिलने का इच्छुक हूँ। प्रथम पूज्य होने के नाते ये मेरा आदेश है। उसके बाद ये सब हो गया। मैं आपसे विनती करती हूँ देवगुरु बृहस्पति, आप स्वामी के साथ कैलाश चले जाइए, कहीं वो क्रोध में आकर कोई भूल न कर बैठे। मैं आपसे विनती करती हूँ देवगुरु, कृपया कर आप उनके साथ चले जाइए। उचित है देवी। देवराज हूं मैं, तो क्या बस आदेशों को स्वीकार करने का पात्र हूं? कदापि नहीं। रुक जाइए देवराज इंद्र, रुक जाइए। देवराज रुकिए, देवराज, देवराज रुकिए, स्वयं को शांत कीजिए देवराज, इतना आवेग उचित नहीं है। देवगुरु, मेरे मन में आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा है और मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। यदि आप मेरे साथ चलने के लिए उत्सुक हैं तो चलिए, किंतु मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। और आप वहां होंगे तो मेरे और महादेव के बीच होने वाले निर्णायक संवाद उसके आप साक्षी होंगे।
कौन है वो? कैलाश के मार्ग में और कौन होंगे देवगुरु? अघोरी ही होंगे ना? ए अघोरी, देवराज हूं मैं, हटो मेरे मार्ग से। लगता है तुमने सुना नहीं। शांत हो जाइए इंद्रदेव, मुझे बात करने दीजिए। समझाइए इस दुष्ट अघोरी को, बताइए इसे कौन हूं मैं। इंद्रदेव, महादेव का अपमान उचित नहीं। आप जो भी हैं, हमें अपने मार्ग में आगे जाने दीजिए। ये आप इससे निवेदन क्यों कर रहे हैं देवगुरु? ये मेरे मार्ग में बाधा बनने की उद्दंडता कर रहा है। ए अघोरी, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। प्रतीत होता है तुमने मेरा परिचय ठीक से सुना नहीं। इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा देवराज इंद्र का अहंकार उन पर और हावी हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं देवराज स्वामी? इसका क्या परिणाम होगा? अहंकार का विष तो उसी को डसता है देवी, जिसमें वो वास करता है। ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? उन्हें भान भी नहीं कि वो इतने अहंकार भरे स्वर में किसका अपमान कर रहे हैं। कह दो प्रथम पूज्य गणेश जी से, देवराज इंद्र पधारे हैं, देवराज इंद्र पधारे हैं, देवराज इंद्र पधारे हैं, देवराज इंद्र पधारे हैं। देवराज की ये अहंकार जनित उद्दंडता उचित नहीं। अहंकार व्यक्ति में ऐसा बुद्धि भ्रम उत्पन्न करता है कि वो अपने तक में ही सीमित हो जाता है और फिर उसमें किसी को भी पहचानने का सामर्थ्य नहीं रहता। देवराज स्वयं अपने पतन को निमंत्रण दे रहे हैं। तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने की धृष्टता कर रहे हो अघोरी। तुम्हें मेरा, देवराज इंद्र का आदेश सुनाई नहीं दिया? हट जाओ मेरे मार्ग से। शांत हो जाइए इंद्रदेव, कदाचित इनका स्वास्थ्य बिगड़ा हो या उनके तन पर ऐसा कोई घाव हो जिसके कारण वो विवश हो रहे हैं। इसीलिए हमें क्रोध से नहीं, सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर कोई घाव है तो किसी वैद्य के पास जाना चाहिए। यहां मार्ग पर बाधा बनकर क्या ये स्वस्थ हो जाएंगे? इंद्रदेव, ये कैलाश का मार्ग है, यहां महादेव के अनेकों भक्त, अघोरी, भूत, प्रेत, दक्ष, यक्ष, गंधर्व, देवता, पशु पक्षी सभी उनके दर्शन के लिए आते हैं। और जब वो चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। महादेव के निवास कैलाश के इस मार्ग पर यदि आपने महादेव के भक्त के साथ दुर्व्यवहार किया तो कहीं महादेव आपसे कुपित ना हो जाए। वाह देवगुरु बृहस्पति, वाह! आपके मुख से भी मुझे यही वचन सुनने को मिले। महादेव का भक्त, महादेव के नियम, महादेव क्रोधित हो जाएंगे, महादेव
महादेव महादेव महादेव, ये सुन सुन कर थक चुका हूं मैं। कदाचित आपको ये स्मरण करने की आवश्यकता है, मैं देवराज यहां आने पर विवश क्यों हुआ? महादेव पुत्र के आदेश की मर्यादा रखने के लिए ना, अन्यथा मैं भी इस अखोरी के समान विश्राम कर रहा होता। किंतु यहां मार्ग में बाधा बनकर नहीं, अपने भवन में। इंद्रदेव, महादेव का अपमान उचित नहीं, स्मरण तो आपको रखना चाहिए। विपत्ति जब आती है मति मारी जाती है। जब देखो कैलाश का ही कोई कार्य करने पर विवश रहता हूं मैं। पहले महादेव मुझे बुला लेते थे और मुझे आना पड़ता था, और अब उनके पुत्र प्रथम पूज्य बनकर अपने आदेशों का पालन करवा रहे मुझसे, और यहाँ यह अघोरी मेरे मार्ग में पड़ा है। यदि उनके भक्त थकते हैं तो महादेव को अपने भक्तों के लिए विश्राम स्थल बनाना चाहिए। उनके भक्तों की विश्राम की चिंता करना मेरा दायित्व नहीं है। ए अघोरी, तुम जो भी हो, चलो उठो यहां से। इंद्रदेव का तो जैसे स्वयं पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। ए अघोरी, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं तुम्हें, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा। इंद्रदेव रुक जाइए और कुछ मत कहिए, क्रोध में है आप, और क्रोध में कहे वचन सदा अनिष्ट करते हैं। देव गुरु, मुझे रोकने के स्थान पर आप स्वयं अपने पैर से ठोकर मारकर इस दुष्ट को मेरे मार्ग से क्यों नहीं हटाते? इंद्रदेव, ये कैलाश का मार्ग है और यहां कुछ भी अकारण नहीं होता। यदि वो अघोरी यहां है तो उसके यहां होने का अवश्य कोई कारण होगा। वो अपने स्थान से नहीं हट रहे हैं तो रहने दीजिए, कैलाश जाने का तो एक अन्य मार्ग भी है, हम उसी पीछे के मार्ग से चले जाते हैं। आइए चलिए। देव गुरु, जो चौर्य कर्म करते हैं अपराधी होते हैं, वो पीछे के मार्ग से जाते हैं, देवराज इंद्र नहीं। और आप मुझे मार्ग परिवर्तन करने का सुझाव दे रहे हैं, वो भी इस तुच्छ घोरी के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज इंद्र? कैलाश जाने के सभी मार्ग भगवान शिव महादेव तक ही ले जाते हैं। बस बहुत हुआ अब। इतना कठोर स्वर, इतने रूखे वचन, ये क्या हुआ है इंद्रदेव को? देव गुरु, आप इस तुष्ट घोरी की तरह मेरे मार्ग की बाधा बन रहे हैं, इसलिए आप एक और हो जाइए और मुझे स्वयं निपटने दीजिए इस तुच्छ घोरी से। आप क्या करने जा रहे हैं देवराज? देवराज हूं मैं, और मुझे मेरे आदेशों का पालन करवाना आता है। इंद्रदेव देव गुरु बृहस्पति से ऐसे अपमानजनक वचन कैसे बोल सकते हैं? जिसका विवेक उसका साथ छोड़ चुका हो, गुरु का अपमान करने का अनुचित व्यवहार तो वही कर सकता है। जब अहंकार किसी पर छाता है तो वो सम्मान और अपमान का भेद भूल जाता है। ये इंद्रदेव नहीं, उनके अहंकार का स्वर है। सुनने की शक्ति से रिक्त हो या फिर बहुत बड़े अहंकारी हो, मुझे तो तुम बहुत बड़े मूर्ख प्रतीत होते हो। मेरे पैर की एक ठोकर खाओगे तो सुनने की शक्ति पुनः वापस आ जाएगी, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा और बुद्धि भी वापस आ जाएगी। कहीं देवराज जो कह रहे हैं वो कर ही न दे। इंद्रदेव पिताजी को दुत्कारने का दुस्साहस कर रहे हैं। इतनी प्रभावी है तुम्हारी ठोकर तो स्वयं को ठोकर दे लो। कदाचित तुम्हारी मूर्खता का अंत हो जाएगा, तुम्हारी ठोकर से तुम्हारा कुछ भला हो जाए।
ऐसे वचन? नहीं, ये कोई साधारण अघोरी नहीं है। ए अघोरी, तुम मुझे देवराज इंद्र को उत्तर देने की उद्दंडता कर रहे हो। तुम्हारी इस उद्दंडता का उचित पाठ सिखाऊंगा मैं तुम्हें। ऐसी ठोकर मारूंगा कि कैलाश से निकलकर सीधे शमशान में जाकर गिरोगे। देवराज, आप ये क्या करने जा रहे हैं? मैं क्या करने वाला हूं वो अभी आपको ज्ञात हो जाएगा देवगुरु। एक बार मेरे एरावत को आ जाने दीजिए। इंद्रदेव को क्या हुआ नाथ? वही जो नहीं होना चाहिए था, अहंकार। इंद्रदेव के अहंकार का अवश्य ही भयंकर परिणाम होगा। रावत, हटाओ इस अघोरी को मेरे मार्ग से, अभी और इसी क्षण। तो इसलिए ऐरावत का आवाहन किया था इंद्रदेव ने। इस परीक्षा में तो असफल होते ही प्रतीत हो रहे इंद्रदेव। ऐरावत, कुछ लो या ठोकर मारो, किंतु हटाओ इस अघोरी को मेरे मार्ग से, यह मेरा आदेश है। देवराज का इतना दुस्साहस, अब मैं ही रोकूंगा उन्हें। रुको पुत्र कार्तिकेय। कैसे रुक जाऊं मां? देवराज सभी सीमाएं लांघ रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए क्या? पुत्र, ये इंद्रदेव की परीक्षा है,
इसमें तुम्हारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं। उचित है मां। अब इंद्रदेव की दृष्टि तक अपराध में परिवर्तित होने वाली है। अब बात बहुत आगे बढ़ रही है। एरावत का पांव आगे बढ़ा तो घोर अनिष्ट होगा। इतने क्रूर कैसे बन सकते हैं देवराज? अब या तो तुम हटोगे या फिर मिटोगे मोर का गोरे। ये उचित नहीं कर रहे आप इंद्रदेव, ये उचित नहीं कर रहे आप। जिसके हृदय में प्रभु प्रेम है वो अहंकार से परे है, क्रूरता से परे है। ऐरावत ऐसे ही भक्त हैं। धन्य है ऐरावत। प्रभु भक्ति से ही ऐरावत ने इतना बड़ा अनर्थ होने से रोक दिया। सेवक होते हुए भी ऐरावत जी ने इंद्रदेव को बहुत बड़े दोष से बचा लिया। सब कुशल है, यथावत है। धन्यवाद प्रभु का जो उन्होंने इस घोर अनिष्ट को रोक दिया। किंतु इंद्रदेव को भी शांत होना चाहिए। ये रावत मेरे आदेश की अवहेलना कैसे कर रहा है? रावत, तुमने अपने स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे की? इसका उचित दंड दूंगा मैं तुम्हें। निर्बल और निर्दोष जीव जंतुओं पर आघात अत्याचार होता है, और अत्याचार शक्ति का नहीं दुर्बलता और व्यक्ति के अंतर की रिक्तता का परिचय देता है। कहो क्या विचार है तुम्हारा? ओह, तो अत्याचार पर प्रवचन देने के लिए तुम्हारी जीवा ने कष्ट कर ही दिया। वैसे तो तुम उचित ही कह रहे हो, दंड ऐरावत को नहीं तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हें मिलना चाहिए।
मुझे रोकने की शक्ति कहां से आ गई सगोरी में? कैसे पकड़ लिया इसने? मुझे पीछे हटने पर विवश कैसे कर दिया? असंभव। तुम अभी भी नहीं समझ पाए देवराज, जो सच्चे मन से प्रभु भक्ति करते हैं उनका कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। ऐसा प्रचंड और भव्य व्यक्तित्व कौन है यह गुरी? अहंकार वो विकार है जिसके वश में आने पर व्यक्ति जो भी करता है अनुचित ही करता है और आकारण अन्य सभी जीवों को कष्ट पहुंचाता है। देवराज इंद्र हूं मैं, प्रवचन कदापि नहीं सुनूंगा, और तुम जैसे अघोरियों का भाषण तो कदापि नहीं, कदापि नहीं, तो कदापि नहीं। अद्भुत है इनकी दिव्यता। अब तो ये अपने आसन से उठ गए हैं, आइए हम भी जरा हटकर आगे चलते हैं। ए अघोरी, हटो एक और। कैसा हट है इंद्रदेव, हम उनसे हटकर जा सकते हैं, आइए आइए चलिए। नहीं देवगुरु, एक अघोरी के लिए देवराज अपना मार्ग परिवर्तन कर ले ये उचित नहीं है। देवराज जब अपने मार्ग पर अग्रसर होता है तो अन्य को अपने मार्ग से हटना पड़ता है। देवराज इंद्र कौन आए? सेवा के लिए होता है देवराज का पद। तुम्हारे मार्ग से सभी का हटना तुम्हारा सम्मान नहीं अपितु अहंकार मात्र भय है, और अहंकार से भला कोई किसी का सम्मान कहां पा सकता। बस बहुत हुआ तुम्हारा प्रवचन, अब हट जाओ मेरे मार्ग से। तुम्हें देख कर तो ये इच्छा हो रही है कि अपने मुष्टि प्रहार से मैं तुम्हारे इस गर्व परे मुख पर वार करूं और हटा दूं तुम्हें अपने मार्ग से। किंतु तुम्हें स्पर्श कर मैं स्वयं को मैला नहीं करना चाहता। तुम्हारे स्वामी महादेव से मिलने जा रहा हूं मैं, उनसे भेंट कर उन्हें अवश्य बताऊंगा कि भूतों के समान विचरण करने वाले तुम जैसे अघोरियों की यहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो धक्के मार मार कर वही भेज देना चाहिए जो तुम्हारा स्थान है, शमशान, शमशान, शमशान। इन दिव्य पुरुष को ये कैसे शब्द बोल रहे हैं इंद्रदेव? कदाचित महादेव को तुम्हें ही कुछ समय के लिए शमशान भेज देना चाहिए, वही तुम्हारे अहंकार की चिता जलेगी। बस, बस। अब तुम्हारे दुर्वचन नहीं सहूंगा मैं। इंद्रदेव रुक जाइए, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।
नहीं रोक सकता कोई। दुष्ट चकोरी, तुम्हें अपने मार्ग से हटने के पर्याप्त अवसर दिए मैंने, किंतु अब और नहीं। ये वृष्टि का देवता देवराज इंद्र तुम्हें अतिवृष्टि का पवंडर दिखाएगा। इंद्रदेव कदाचित अपना अंतिम अवसर भी गंवाने जा रहे हैं। अब इंद्रदेव को अपना वास्तविक परिचय देना ही होगा मुझे। ये तो देवराज होकर इतना अहंकार कि जो आपके मार्ग में आए वो स्वयं शीश झुकाकर हट जाए। देवराज महादेव, देवता होने से अहंकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता, अभी तू देवताओं का मूल कर्तव्य है दूसरों के प्रति सहानुभूति और सभी जीवों के प्रति सेवा। तुमने रावत को मुझे कुचलने का आदेश दिया, वो तुम उसके स्वामी हो, इसलिए वो तुम्हारा आदेश मानने पर विवश हो गया, किंतु उसने मुझे पहचान लिया और भक्ति भाव के कारण उसके नेत्र अश्रु से भर आए, किंतु तुम्हारे नेत्र उन पर तो अहंकार का आवरण था। भविष्य में यदि कोई असहाय और असमर्थ व्यक्ति तुम्हारे पथ में आएगा तो क्या उसे भी कुचल दोगे या उस पर वज्र चलाने के लिए तैयार हो जाओगे? क्या निधि प्राणी पर चलाने के लिए तुम्हें वज्र प्रदान किया गया है देवराज? नहीं, तुम्हारे जैसे अहंकारी का देवराज के पद पर स्थापित होना उचित नहीं। संसार को तुम्हारे जैसे देवराज की आवश्यकता नहीं, तुम्हें मिटना होगा, तुम्हें मिटना ही होगा देवराज, तुम्हें मिटना ही होगा देवराज। ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? महादेव, क्षमा महादेव, क्षमा।
प्रभु का तीसरा नेत्र खुलने वाला है। अर्थात अब इंद्रदेव सुरक्षित नहीं। इंद्रदेव ने कैसे संकट को निमंत्रण दे डाला। महादेव की क्रोधाग्नि से अपना बचाव कैसे करूं मैं? कदाचित इसी बात का भय था। समीप आ रही है महादेव की क्रोधाग्नि, मुझे और तीव्र गति से भागना चाहिए। मैं ये क्या कर बैठा। अब तो प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे महादेव के क्रोध से बचा लीजिए। मेरी रक्षा कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। पिताश्री को शांत कराइए माँ। अहंकार के लिए क्या इंद्रदेव को इतना बड़ा दंड देना उचित है? हाँ माता। माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय, गणेश जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी। इसका अनुमान तो मुझे भी नहीं था पुत्र, कि प्रभु इतने क्रोधित हो जाएंगे। किंतु उनके द्वारा दोषियों को दंड देने में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भैया, फिर तो हमें ही कुछ करना होगा। पिताश्री को शांत करने का प्रयत्न कर उनसे इस क्रोधाग्नि को लौटाने का आग्रह करना होगा। उचित कह रहे हो तुम। महादेव की क्रोधाग्नि तो मेरी और बड़ी आ रही है। मैं तनिक भी विश्राम नहीं कर सकता। अब कदाचित मेरी रक्षा संभव नहीं। प्राण पखेर उड़ रहे, क्या मेरा अंत हो चुका है? अभी तक तो नहीं इंद्रदेव। मेरा अंत नहीं हुआ? यदि मेरा अंत नहीं हुआ तो क्या हुआ है मेरे साथ? और महादेव की क्रोधाग्नि, उससे मेरी रक्षा किसने की? तो गणेश जी ने मेरी गुहार सुन मेरी रक्षा की। अब ज्ञात नहीं क्या होने वाला है।
गणेश जी, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। इंद्रदेव, अभी धन्यवाद का समय नहीं आया, क्योंकि अभी तक आप सुरक्षित नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये क्रोधाग्नि तो अभी भी मेरा पीछा कर रही है। गणेश जी, वो देखिए, महादेव की क्रोधाग्नि। कृपया कुछ कीजिए गणेश जी, मेरी रक्षा कीजिए, कृपया कुछ कीजिए। अब ज्ञात नहीं क्या होने वाला है। ये प्रभु, कहीं महादेव की क्रोधाग्नि मुझे ही ना भस्म कर दे। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए प्रभु, प्रभु कुछ कीजिए। धैर्य रखिए देवराज, यथा संभव जो हुआ वो मैं करूंगा ही। प्रभु, ये पिताश्री की क्रोधाग्नि को तो बस वो ही रोक सकते हैं। पिताश्री, उचित यही होगा कार्तिकेय कि तुम इसी क्षण यहां से चले जाओ। पिताजी का ये भीषण क्रोध तो अनर्थकारी हो सकता है। शांत हो जाइए पिताश्री, कृपा कीजिए, मेरी गुहार स्वीकार कीजिए पिताश्री। पिताजी, इंद्रदेव ने जो किया बहुत अनुचित किया, किंतु क्या उनके अहंकार का इतना बड़ा दंड देंगे उन्हें? पुत्र कार्तिकेय, जिन असुरों के साथ हम युद्ध करते हैं उनका प्रमुख अपराध है उनका अहंकार, किंतु कदाचित उससे एक बहुत बड़ी हानि भी होने लगी है। देवताओं में अहंकार भरने लगा है, और यदि ऐसा है तो उन्हें भी दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। और यह घटना देवताओं के लिए भी एक उदाहरण बनेगी। पिताजी, इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए, यह बहुत बड़ा दंड है, और कहीं इसके कारण गणेश को क्षति ना पहुंच जाए। पिताजी तो शांति नहीं हो रहे हैं। अन्याय नहीं न्याय करूंगा मैं। उनके अहंकार का जो दंड असुरों को प्राप्त होता है वही दंड देवराज को भी दूंगा मैं। आज तो अंत निश्चित है। इस प्रकार तो मूषक जी पर आरूढ़ होकर हम पिताश्री की क्रोधाग्नि को पीछे नहीं छोड़ सकेंगे। मुझे इंद्रदेव को अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखने का कोई और उपाय करना होगा। प्रभु, बताइए आप। इंद्रदेव, मुझे पकड़ कर रखिएगा। मूषक जी, मैं जो कहूँ वो करते जाइए आप। उचित है प्रभु। नीचे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु, परंतु प्रभु हम इससे कब तक रक्षित रहेंगे? चलिए मूषक जी। जी उचित है प्रभु। गणेश जी, महादेव की क्रोधाग्नि तो अभी भी मेरा पीछा कर रही है। पिताश्री के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि को तो समस्त संसार में कोई नहीं रोक सकता देवराज। मैं केवल आपको अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखने का प्रयास ही कर सकता हूँ देवराज। तो क्या मेरी रक्षा असंभव है? महादेव, देवराज का आचरण उचित नहीं था।
किंतु उनकी ओर से मैं क्षमा याचना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, शांत हो जाइए। पिताश्री, यदि आप शांत नहीं हुए तो घोर अनिष्ट हो जाएगा। प्रकृति आपकी क्रोधाग्नि से प्रभावित हो रही है पिताश्री। महादेव, मैं विश्वास दिलाता हूं देवराज इंद्र उचित पाठ सीख चुके हैं। कृपा कीजिए, आप भी शांत हो जाइए। महादेव, देवराज इंद्र को भस्म करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, अपितु यदि वर्षा के देवता को नष्ट किया गया तो प्रकृति पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या करूं मैं, पिताजी इतने क्रोध में हैं कि वो किसी का सुझाव नहीं मान रहे। कौन है जो उनके इस क्रोध को शांत कर सकता है? माँ, अब आपको ही हस्तक्षेप करना होगा, आपको ही शांत कराना होगा पिताश्री को। पुत्र, मैं कदाचित तुम्हारे पिताश्री के कार्य में हस्तक्षेप करने में असमर्थ हूँ। इसमें केवल देवराज की सुरक्षा निहित नहीं है माँ, गणेश और मूषक जी भी इंद्रदेव को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात वो भी संकट में है माँ। यदि इंद्रदेव को कुछ हुआ तो समस्त संसार पर अनिष्ट की छाया पड़ जाएगी। आपके और पिताजी के निर्देश पर ब्रह्मदेव द्वारा जिस सृष्टि का सृजन हुआ उसके नित्य नव सृजन में इंद्रदेव का भी महत्वपूर्ण योगदान है माँ। यदि उन्हें कुछ हुआ तो सृष्टि का सृजन चक्र भी नष्ट हो जाएगा माँ। इंद्रदेव अष्ट दिक्पाल के अध्यक्ष हैं, यदि उन्हें कुछ हुआ तो सर्वनाशी परिणाम होंगे माँ। माँ, जिसके संकेत तो अभी से दिखाई देने लगे। मैं विनती करता हूँ माँ, पिताजी को मना लीजिए, उन्हें शांत करने के लिए आपको ही कुछ करना होगा माँ। अपना वेग कम मत कीजिए, अपनी तीव्रता बढ़ाइए मूषक जी। प्रभु, आप स्वयं भी इस संकट में फंस गए हैं और मुझे भी फंसा दिया। महादेव के क्रोधाग्नि से तो अब हमारा बचना असंभव है, आपने इंद्रदेव को उनका दंड क्यों नहीं भुगतने दिया? नहीं मूषक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मूषक जी, आप अपना ध्यान बस अपने वेग पर लगाइए, शीघ्र चलिए। जी प्रभु। और इंद्रदेव, आपके समक्ष आपकी रक्षा का मात्र अब एक ही उपाय है, और वो उपाय है महादेव, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अहंकार के वश में कभी नहीं आऊंगा। प्रभु, प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव, 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 मेरी याचना स्वीकार कर लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। प्रभु,
मेरी गुहार स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव तो अब भी क्रोधित हैं। कदाचित महादेव ने इंद्रदेव की क्षमा याचना स्वीकार नहीं की, अर्थात प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है प्रभु। परीक्षा परीक्षार्थी के अच्छे परिवर्तन के लिए होती है, उसके अंत के लिए नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ ना, इंद्रदेव अपनी भूल स्वीकार कर चुके हैं, अब आप भी शांत हो जाइए। आपने मुझे क्षमा कर दिया, मैं सुरक्षित हूं प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन करता हूं प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं वचन देता हूं प्रभु, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। श्री की क्रोधाग्नि तो बहुत निकट आ चुकी है। महादेव की क्रोधाग्नि, महादेव की क्रोधाग्नि तो अभी भी इंद्रदेव पर लक्षित है। श्री, आपका क्रोध शांत हो गया है, अब तो अपने क्रोधाग्नि को रोक दीजिए। हाँ हाँ प्रभु, हाँ मान जाइए प्रभु। मेरे तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि लौटाई नहीं जा सकती।
महादेव की क्रोधाग्नि मुझे लीलने वाली, कदाचित यही मेरी नियति है। पिताजी, माता, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझ पर एक और उपकार कीजिए। मेरी पत्नी देवी शची तक मेरे अंतिम संदेश के रूप में मेरे सभी दोषों की क्षमा याचना पहुंचा दीजिए माता। क्षण शेष है देवराज इंद्र के पास। इंद्रदेव ने उचित अनुचित का भेद समझने में बहुत विलंब कर दिया। पिताश्री की क्रोधाग्नि की शक्ति को अब लौटाया नहीं जा सकता, तो अब क्या उपाय है इंद्रदेव की रक्षा का? महादेव की क्रोधाग्नि मुझसे नहीं टकराई, मैं सुरक्षित हूं। देवराज रक्षित हो गए। उचित समय पर पिताश्री ने अपनी ऊर्जा से क्रोधाग्नि को पीछे धकेल दिया। देवाधिदेव महादेव की दया उनके क्रोध से कहीं बढ़कर है। महादेव की लीला महादेव ही समझ सकते हैं। धन्य है आप पिताश्री, आपने अपने क्रोधाग्नि की दिशा मोड़कर उसकी मर्यादा भी रखी और इंद्रदेव के प्राणों की रक्षा भी कर ली। प्रभु, आपने मुझे क्षमा कर दी, मेरी रक्षा की आपने, मैं कृतार्थ हुआ। प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। प्रभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंतु पिताश्री, आपकी क्रोधाग्नि ऐसे तो शांत नहीं हो सकती। जब तक किसी को लक्षित नहीं करेगी तब तक ये शांत नहीं होगी। चिंता मत करो पुत्र कार्तिकेय, मेरी क्रोधाग्नि किसी का जीवन नष्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसका मार्ग सागर की ओर मोड़ दिया है। अद्भुत पिताश्री, अद्भुत। आपका न्याय उचित है स्वामी, दोषी देवराज उचित पाठ भी सीख गए और उनको क्षति भी नहीं पहुंची। अब सब यथावत है, सब कुशल है, धन्य है पिताश्री।
महादेव की क्रोधाग्नि का कुछ ना कुछ भयंकर परिणाम तो होकर ही रहेगा। ये कैसा अनर्थ हो रहा है। मेरी क्रोधाग्नि अब सागर में विलीन हो गई है। ये शुभता के लक्षण नहीं है। इस सृष्टि पर अवश्य ही कोई नया संकट लेकर आएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव की जय हो। महादेव की जय हो। महादेव की जय हो। महादेव की जय हो। इंद्रदेव को क्षमा करना, आपकी उदारता का उदाहरण है स्वामी। ये महादेव ने क्या कर दिया। उनकी क्रोधाग्नि जल से शांत नहीं होगी। अभी तो मुझे शंका है कि जल और अग्नि दो विपरीत तत्व एक साथ आएंगे तो कोई ना कोई विचित्र अप्राकृतिक संकट जन्म लेगा। मुझे महादेव को अभी सचेत करना होगा। महादेव तो निश्चिंत होकर कैलाश लौट रहे हैं। किंतु सागर के गर्भ में क्या उत्पन्न हुआ है वो किसी को ज्ञात नहीं। मुझे किसी महासंकट की आशंका हो रही है। आज्ञा दीजिए प्रभु। देवी सची ने मुझे इंद्रदेव को सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ भेजा था और अब वो कुशल है तो मुझे प्रस्थान करना चाहिए। देवगुरु, अहंकार वश मैंने आपसे बहुत कुछ अनुचित बोल दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवराजेंद्र, महादेव की कृपा से अब सब कुशल है। गणेश जी, मुझे ज्ञात नहीं मुझ पर किसके कुछ से छाया पड़ गई थी, जो आपके बुलाए जाने पर मैंने अपने सारथी माथली को भेजने की धृष्टता की। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। इंद्रदेव, मैंने तो आपको एक अत्यंत आवश्यक विषय पर चर्चा के लिए बुलाया था। यदि मैं प्रतीक्षा कर सकता था तो अवश्य करता। प्रभु, मैं लज्जित हूं,
क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु, किंतु आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों था? देवराज, ऋषि अंगिरस कैलाश आए थे, किंतु तब पिताश्री ध्यान में थे। ऋषि अंगिरस? वो अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने बताया कि बिना वर्षा के दक्षिण में प्रजा अकाल से कैसे त्राही त्राही कर रही है। ये उचित नहीं है। और इसीलिए गणेश ने आपको यहाँ बुलाया था देवराजेंद्र। अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मुझे महादेव से अपने संशय के विषय में अभी बताना होगा। ज्ञात नहीं महादेव की क्रोधाग्नि कैसा विकृत रूप लेकर जन्म लेगी। देवराज, आप तो मेघों और वर्षा के देवता हैं, फिर दक्षिण में इतना भयंकर अकाल क्यों पड़ने दे रहे हैं? आप वहाँ की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं देवराज? वहाँ की जीव जंतु वनस्पतियों को समाप्ति के निकट क्यों भेज दिया आपने? दक्षिण में वर्षा ना होने का कारण बताइए इंद्रदेव। किंतु महादेव, महादेव ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, हमें अभी चर्चा करनी होगी। अवश्य ब्रह्मदेव, गणेश भी उसी चिंता का समाधान ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। गणेश भी समाधान ढूंढ रहे हैं, अर्थात उन्हें भी सागर में उपस्थित संकट का आभास है। हाँ फूफा जी, मैं इंद्रदेव से अभी अभी दक्षिण के अकाल की चिंता पर ही विचार कर रहा था। दक्षिण में अकाल? आप भी विराजिए फूफा जी। कदाचित ये उचित समय नहीं होगा उस प्रसंग के विषय में वार्ता करना, मुझे इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। तो बताइए देवराज, दक्षिण में पड़े अकाल का क्या कारण है और आप इसका समाधान क्यों नहीं कर सकते? किंतु प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, माता पार्वती, दक्षिण में पड़े अकाल का कारण मैं नहीं। ऋषि अगस्त्य है, ऋषि अगस्त्य? ये ऋषि अगस्त्य कौन है? और वो अकाल का कारण कैसे बन गए? तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा गणेश। ऋषि अगस्त्य और ऋषि वशिष्ठ दोनों भाई हैं। दोनों का जन्म वरुण देव के अंश से एक कुंभ के द्वारा हुआ और अब ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण की नदी कावेरी को अपने कमंडल में रख लिया। उन्होंने नदी को कमंडल में रख लिया? यदि ऐसा है तो मुझे जाने की अनुमति दीजिए पिताश्री, जिससे मैं उस नदी को उनके कमंडल से मुक्त करा सकूं। ऋषि अगस्त्य ऐसा नहीं होने देंगे गणेश। किंतु क्यों पिताश्री? क्योंकि वही नदी ऋषि अगस्त्य की पत्नी भी है। उनकी पत्नी कौन है ये अद्भुत स्त्री पिताश्री? पुत्र, ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपा मुद्रा का जन्म दक्षिण की नदी कावेरी बनने के लिए ही हुआ था। किंतु लोपा मुद्रा की नदी होने के बाद ऋषि अगस्त्य ने उन्हें अपने कमंडल में स्थित कर लिया और स्वयं ध्यान मग्न हो गए, जिससे नदी उनके कमंडल में बंद कर रह गई। किंतु पिताश्री, ऐसी अवस्था में कोई ऋषि अगस्त्य को जाकर उन्हें कावेरी को उनके कमंडल से मुक्त कराने के लिए क्यों नहीं कह सकता? सभी उनसे इतने भयभीत क्यों हैं? यदि वो ना माने तो हम उन्हें नदी को मुक्त करने पर बाध्य क्यों नहीं कर सकते पिताश्री?
क्योंकि गणेश, ऋषि अगस्त की महिमा हम सभी देवताओं से भी कहीं अधिक है। किंतु भैया, वो आपसे अर्थात देव सेनापति कुमार कार्तिकेय से अधिक महिमामयी तो नहीं हो सकते। मुझसे कहीं अधिक महान है, गुरु है मेरे। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, मानस्तोके तपोबल के ही धनी नहीं, ऋषि अगस्त तो युद्ध कला के भी बहुत बड़े ज्ञानी है। मानो वीरा रुद्र भामिनो बधिरः विश्वमन्त सत्मित्वा हवामहे। ऋषिवर, मैं आपके आश्रम आपसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आया हूँ। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर मल्ल युद्ध अर्थात कलारी पयट्टू की कला सिखाने की कृपा कीजिए। शांति पृथ्वी, शांति राम, शांति 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 शांति। कुमार कार्तिकेय, तुम्हारा प्रशिक्षण कल भोर में प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार। जो आज्ञा गुरुवर। युद्ध में एकाग्रता और तत्परता दोनों ही आवश्यक हैं। जी गुरु। विरोधी की प्रत्येक क्रिया की सूक्ष्मता का सूक्ष्मता से ही अवलोकन करना चाहिए, अन्यथा चूक हो सकती है। अवश्य गुरु। क्रिया को पुनः दोहराने से अभ्यास होता है, इसलिए पुनः करिए। जी गुरुवर। प्रयत्न करिए। हे
कुमार कार्तिकेय, अपना लक्ष्य मुझे बनाओ। ऋषि अगस्त्य इतने प्रभावशाली योद्धा है। हाँ गणेश, मैं अति भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऋषि अगस्त्य जैसे गुरु मिले। उनकी प्रतिभा के बारे में जानकर तुम भी अचंभित रह जाओगे। तो बताइए ना भैया, फिर क्या हुआ? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।